भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने कोर्ट में समर्पण किया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने उन्हें फरार घोषित किया था। कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया था। एसटीएससी मामले में विधायक फरार चल रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने कोर्ट में सरेंडर किया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने इन्हें फरार घोषित किया था। कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद हेमंत कटारे कोर्ट पहुंचे हैं। एसटीएससी मामले में विधायक हेमंत कटारे फरार चल रहे थे। दिलीप सोनी जुड़ गए हैं। दिलीप, आखिरकार हेमंत कटारे ने सरेंडर किया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिंड जिला कोर्ट का जो मामला है, यहाँ पर जो हेमंत कटारे हैं कांग्रेस के जो पूर्व विधायक, इन्होंने जो कोर्ट में सरेंडर किया है और जज के सामने। और मैं आपको बता दूं कि मामला, आपको बता दूं कि 2005-2017 का मामला है, यानी कि 2017 का मामला है। यहाँ पर एक कल्याण चाटा नाम का एक जो चाटा का व्यक्ति था, उसके में मारपीट का आरोप लगाया था हेमंत कटारे पर, और इसमें जो FIR भी करवाई थी। तब से ये फरार, FIR के बाद लगातार ही फरार चल रहे थे, यहाँ तक कि ग्वालियर हाई कोर्ट में भी इनको फरार घोषित कर दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश भी निकाल दिए थे। लेकिन जब से लगातार फरार चल रहे थे, लेकिन इनको एक ग्वालियर हाई कोर्ट में इनको आज जो जमानत मिल गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने इनसे ये बोला है कि जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, जो जिला जो कोर्ट है, उसमें आप अपने आप को सरेंडर करें और उसके बाद उनको जमानत से राहत दी जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जानकारी के लिए।